नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में, और इसी सीरीज के क्वेश्चंस चल रहे हैं। उस क्वेश्चंस सीरीज में आप देखेंगे, आज जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक रिंग के लिए निकालेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था एक सॉलिड यूनिफॉर्म बार के लिए, ठीक है, रोड के लिए। तो वो डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से, है ना, देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा इन बाकी डेरिवेशंस के रेस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है ऑफ ए थिन लूप। लूप आप समझते हैं, लूप यानी बंद जो होता है, बंद आकृति को लूप कहा जाता है। अब वो चाहे वृत्ताकार हो यानी सर्कुलर, चाहे वो आयताकार हो यानी रेक्टेंगुलर, और चाहे वो स्क्वायर की शेप का हो यानी वर्गाकार हो, ठीक है, तो देखेंगे। और थिन लूप है, लेकिन ब्रैकेट में इसने कहा क्या, कहा रिंग। तो आपको तो पता है रिंग जो है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। अबाउट इट्स, कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का, और एक डायमीटर यानी व्यास के सेंट्रल एक्सिस यानी केंद्रीय अक्ष के अनुपरीत है, और एनी डायमीटर यानी इसके किसी डायमीटर मानी व्यास के परित है आपको निकालना है। और अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं स्पर्श रेखा या स्पर्शी, और इसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के अबाउट निकालना है। और कौन सी टेंजेंट, इन द प्लेन ऑफ द रिंग, जो रिंग के प्लेन में है, ठीक है, रिंग के तल में है। आइए, ये समझ में आएगा आपको, लेकिन पहले डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो देखो इसका डायग्राम, देखो आप, रिंग है ये, है ना, इस तरीके से आप बना देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है, रिंग है, और रिंग है तो इसमें थोड़ा सा आपको ये भी लेना पड़ेगा, मोटाई ले दो थोड़ी सी, ठीक है, इस तरीके से कुछ मोटाई भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा रिंग कैसा है, थिन, यानी इसकी जो मोटाई है ना वो बहुत बारीक है, मतलब बहुत कम है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ, मैंने कहा था ना कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चला करो रफली, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये रिंग है, है ना, ये डोटेड नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से बना लेना आप, उससे बनाना प्रकार से, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी इसे बनाने में, ठीक है जी। तो ये एक रिंग है, तो रिंग है ना कैसी होती है, सर्किल के शेप की होती है। चलो, तो इसका सेंटर मानो, सेंटर यानी केंद्र, जिसका केंद्र कितना मान लो, ओ मानो, है ना, इधर से थोड़ा और पास लाओ, ठीक है, आप देख लेना, है ना, एडजस्ट करके बिल्कुल अच्छे से बनाना, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना मान लिया, ओ मान लो, और इसकी रेडियस कितनी मानो, रेडियस मान लो कैपिटल आर। भाई ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी सी है, तो रेडियस यहाँ तक एक ही बात है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस नेगलिजिबल है यानी नगण्य है। और देखो इस पूरे रिंग का मास कितना है, मान लो कैपिटल एम, तो आपको पता है स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, है ना, तो जो इसका स्मॉल एलिमेंट है वो यहाँ पर मान सकते हो आप, और मान लो इसकी जो, इसका जो मास है वो कितना मान सकते हो, एम मान सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़कर ही तो ये रिंग बना है, तो इसका मतलब है ये जो स्मॉल एलिमेंट माना है इसका मास एम है, जो हर डायरेक्शन में मानते आ रहे हैं स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और इस पूरे रिंग का मास है कैपिटल एम, इस रिंग की रेडियस आर है, सेंटर ओ है, ठीक है जी। और पहले पॉइंट में आपको निकालना है सेंट्रल एक्सिस यानी केंद्रीय अक्ष के अबाउट यानी परित है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। तो ये डेरिवेशन तो बहुत आसान है ना, इसे करने के लिए आपको किसी भी समस्या का कोई खास सामना नहीं करना। तो इसके बारे में है ना डायग्राम बनाना, लिखना लैंग्वेज, लेट अस कंसीडर ए रिंग या ए थिन लूप, ब्रैकेट में रिंग, रिंग है ना, याद रिंग ही यूज कर रहे हैं वर्ड, बस याद रखना थिन लूप भी आ जाए तो भी रिंग ही है ना। तो लेट अस कंसीडर ए रिंग
इस सर्कुलर रिंग कैसा है, वृत्ताकार। इस सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ इट्स एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इसके सूक्ष्म अवयव का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। देन पहला पॉइंट करेंगे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सेंट्रल एक्सिस कौन सी है, देखो वो एक्सिस जैसे ये रिंग इस तरीके से है ना, ऐसे रखा है, तो रिंग की जो सेंट्रल एक्सिस है वो इसके सेंटर से होकर ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर होगी इसके, तो बाहर को तो निकाल नहीं सकते, इस तरीके से है ना, ऐसे दिखा दो, है ना, ये वाली एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है जी, ये वाली एक्सिस जो यानी ऐसे है, ये कैसे है, वास्तव में ऐसे है, ठीक है, लेकिन हम बाहर दिखा नहीं सकते क्योंकि डायग्राम कैसा है, 3D डायग्राम है, इसलिए हम इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ का क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीछे है ये ना। तो आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो एक्सिस है ये तो इस तरीके से है ना, और इस एक्सिस से आप जो देखेंगे डिस्टेंस इस स्मॉल एलिमेंट की कितनी है, कैपिटल आर, जबकि आप देख रहे हैं पहले वाले डायरेक्शन में स्मॉल एक्स डिस्टेंस होती थी, लेकिन यहाँ तो कैपिटल आर ही है, तो कैपिटल आर लेंगे यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह। पहले स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे या क्या करेंगे देखेंगे ना। हाँ, इंटीग्रेशन कर दें तो कंप्लीट का आ जाता है, तो चलो देखेंगे। हालांकि इसमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का निकाल रहे हैं और किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट इट्स, बल्कि रिंग का डायरेक्ट निकाल सकते हो है ना, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने बताया जैसे ही कि पहले इसका निकालो स्मॉल एलिमेंट का और फिर उसका निकालो, है ना, इंटीग्रेशन नहीं करना इसमें, इसमें सिग्मा ले लेंगे सम के लिए, बताऊंगा, चलो डायरेक्टली निकाल दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, देखो ध्यान दो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है ना रिंग का, तो आई बराबर, ठीक है जी, आपको पता है एमआर स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन इसका निकालेंगे, देखो थोड़ा समझो यहाँ पे, यदि इसका निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, स्मॉल एम, और डिस्टेंस तो ये लेनी है कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यदि पूरी रिंग का निकालना हो आपको तो पूरी रिंग के लिए स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम के ऐसे सारे जुड़ना जाएंगे, सारे जुड़ने का मतलब होता है सिग्मा, यानी सम, योग हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं ऐसे कर दूँ सिग्मा, अब देखो सारे स्मॉल एम है ना ऐसे यहाँ पे, ये सारे ऐसे ऐसे जोड़ दोगे तो पूरी रिंग का मास ना जाएगा, यानी जो सिग्मा एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो सिग्मा एम है वो पूरे रिंग के मास के बराबर है, यानी कैपिटल एम के बराबर है, क्योंकि पूरे रिंग का मास आपने क्या माना, कैपिटल एम। तो देखो यहाँ से आई बराबर क्या आया, सिग्मा एम की जगह आप रख सकते हो कैपिटल एम, तो आई बराबर आ जाएगा आपका कैपिटल एम आर स्क्वायर, ठीक है, यही है बस, कुछ नहीं करना इसमें, कितना आसान सा डेरिवेशन है, ठीक है जी, समझ में आया होगा आपको। तो ये है फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। देखो दूसरा पार्ट देख लो, ठीक है जी, तो ये है ना फर्स्ट पार्ट था, आओ अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, नंबर सेकंड। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान सा है, आपको इसके किसी डायमीटर के अबाउट निकालना है, किसी डायमीटर, तो कोई सा डायमीटर, देखो इसके लिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं ना सिंपल सा, क्योंकि इसे अलग रहने दो, तो दूसरे पार्ट के लिए डायग्राम चलो इधर को बना लेता हूँ मैं, ठीक है जी। ये क्या है, रिंग है, अब इसमें चाहे ये भी मत दिखाओ है ना, ये तो है ही, मैं ना, अब आप देखो ये रिंग है तो इसका डायमीटर, एक तो डायमीटर ये हो जाएगा व्यास, और एक डायमीटर ये हो जाएगा, ठीक है जी, और जो एक्सिस है ये वाली जिसके अबाउट आपने निकाला है, ये तो इस तरीके से है ना, ये तो एक्सिस इस तरीके से है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है ये ऐसे, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब आप एक बताओ, ये भी डायमीटर है व्यास है, ये भी डायमीटर है व्यास है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमीटर के अबाउट, आईडी मान लें, और ये भी डायमीटर है, इसके वो
ये क्या है आई डी, क्योंकि ये भी व्यास है, जबकि वास्तव में आपको बताइए आई एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था उसे आप आई एक्स कहते थे। तो आई एक्स किसके बराबर है आई डी के, और ये आई वाई है वास्तव में जो किसके बराबर है आई डी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही डायमीटर हैं, ठीक है, दोनों ही व्यास हैं, तो इसलिए आई एक्स को भी आई डी से डिनोट कर दिया, ठीक है, क्योंकि डायमीटर के अबाउट है, और आई वाई को भी आई डी से डिनोट, मतलब आई वाई भी आई डी होगा क्योंकि ये भी तो डायमीटर है, और ये क्या है वास्तव में आई जेड है जो हमने किसके बराबर माना है आई के, ठीक है जी। तो बस आपको खुद समझ में आ रहा होगा, आपको तो आई डी निकालना है सेकंड में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लगाओ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी लंबवत अक्षों की प्रमेय या लंब अक्षों की प्रमेय, तो ठीक है, फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, बताएं जरा अपने आप को, है ना, क्या होती है, आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो आप देखो आई जेड की वैल्यू रखो आई है, आई एक्स की वैल्यू देखो आई डी है, आई वाई की वैल्यू देखो आई डी है, तो ये कितना आया 2 आई डी। तो देखो हमें तो आई डी निकालना है, तो जो आई डी आएगा 1/2 i आएगा, और आप खुद समझ सकते हैं आई की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, तो आई डी कितना आ गया, ठीक है, लिख दो आई डी बराबर आएगा आपका, यानी डायमीटर के अबाउट, किसी भी डायमीटर के अबाउट, चाहे ये वाला डायमीटर हो चाहे ये वाला डायमीटर हो, एनी डायमीटर, कोई सा भी डायमीटर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा, क्या आएगा आई की वैल्यू रखो यहाँ से 1/2 mr², ठीक है जी। तो ये किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, देखो थर्ड पॉइंट को देखना है तो चलो इसी से समझ लो, इसने कहा अबाउट ए टेंजेंट, उस टेंजेंट के अबाउट जो रिंग के प्लेन में है, तो रिंग का प्लेन तो ऐसे है ना, मतलब रिंग ऐसे है, तो इसके प्लेन में होने का मतलब है टेंजेंट ऐसे ऐसे नहीं जा रही, ऐसे जा रही है इसी के प्लेन में, स्पर्श करके, स्पर्श रेखा, यानी ये वाली, ये टेंजेंट है जी। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा भाई आई डी के अबाउट निकाल दिया, ये आई डी निकाल दिया, और इसके अबाउट निकालना है तो कौन सी थ्योरम लगाओ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी समांतर अक्षों की प्रमेय। इधर देख लें आप दो, थर्ड पॉइंट है इसका, तो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल का निशान है और ये परपेंडिकुलर का निशान था, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, आई बराबर होता है ICM प्लस mh², ये तो होती है, लेकिन यहाँ पर आप पाएंगे कि इसके अबाउट जो है ICM जो है ICM यानी जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, यानी जो सेंटर से होकर जा रही है, सेंटर तो O है, तो इसका मतलब I मतलब जो O से होकर जा रही थी एक्सिस उसके अबाउट, ठीक है, और वो क्या है वास्तव में वो I है, तो ICM यहाँ पर कितना है I है, और जब ये आई है तो इसे आई डैश मानो, ठीक है, तो आई डैश आपको निकालना है, और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोनों एक्सिस जो पैरेलल हैं, है ना भाई। देखो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं तब आपको क्लियर होगा, जब मैंने ये कराई थी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम, तो मैंने बताया था ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और ये कोई एक्सिस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस एच है, और इसके अबाउट आई सी एम माना था और इसके अबाउट आई माना था, ठीक है, तो इसका मतलब है सेंटर वाला तो आई सी एम, तो सेंटर वाला ये वाला, ये नहीं लेना, ये वाला लेना, ये वाला सेंटर से होके, तो देखो ये भी जा रही है, ये वाली जो है ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो लेनी कौन सी है जो समांतर है, क्योंकि यहाँ पे समांतर अक्षों की प्रमेय है ना, तो जो पैरेलल है, तो पैरेलल तो ये वाली है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वाली लेनी है, आई एक्स लेनी है, आई एक्स ही कितनी है आई डी, तो यहाँ क्या आएगा आई डी, ठीक है, और इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट आई डैश इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आई तो ये मान रखा है ना, और एम एम पता है आपको पूरे रिंग का मास है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एच नहीं है, यहाँ कितनी है बताओ, यहाँ पर एच किसके बराबर है, इसके बराबर है रेडियस के, और रेडियस आपको पता है कितनी है कैपिटल आर, ये रेडियस हो जाएगी ना भाई, सेंटर से कहीं भी मिला दो सर्कमफेरेंस परिधि पर, तो क्या हो जाती है रेडियस, चलो यहाँ एच ही रहने दो, तो यहाँ पे साइड में आप लिख दो बिकॉज
एच किसके बराबर है आर के, और आई डी, आई डी तो आपने निकाल रखा है यहाँ से, तो आई डैश आया आपका वन, ये वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, टू अपॉइंट टू कह दो, टू अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, यानी थ्री अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, थ्री अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, तो आई डैश आया आपका थ्री अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, या तो एलसीएम ले लो आप यदि, है ना, या ऐसे कर लो कि टू अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि टू अपॉइंट टू वन ही तो होता है, तो टू अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, यानी थ्री अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसके मैंने आपको तीनों पॉइंट करा दिए हैं, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं रफ करके दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आइए, इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, डिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको क्या निकालना है, डिड्यूस यानी उत्पन्न करना है आपको फॉर्मूला, यानी ऑब्टेन करना है, है ना, प्राप्त करना है, या डिड्यूस स्थापित कर सकते हो या ऑब्टेन कह सकते हो, है ना, प्राप्त करना, तो डिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिड्यूस करना है, उत्पन्न करना है किसके लिए, ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क, इस बार क्या है, इस बार रिंग नहीं है, डिस्क है, और डिस्क कैसी होती है, डिस्क कैसी दी है, सर्कुलर, ठीक है, डिस्क ठोस होती है, वो खोखली नहीं है रिंग की तरह, आपको बता रिंग साइड साइड से थोड़ा सा मोटा रहेगा, है ना, बारीक भी हो सकता है, थिन कहा था तो इतनी बारीक है, और बीच से खोखला रहता है रिंग, है ना, लेकिन डिस्क कैसी है, डिस्क एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्लास्टिक की बाल्टी होती है ना, तो उसका जो ढक्कन होता है ना, इस तरीके से डिस्क हो सकती है, या डिस्क, ठीक है, इस तरीके से है, मैं बना के दिखाऊंगा, चलो अभी आपको, तो सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, और डिस्क को तो डिस्क ही कहते हैं, हिंदी में तस्तरी कहते हैं, है ना, लेकिन डिस्क ही ये वर्ड यूज करेंगे हम, और ठीक है, तो किस एक्सिस का अबाउट निकालना है, अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास होकर जाती है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, परपेंडिकुलर है, लंबवत है ना, इसके तल के, अबाउट ए डायमीटर, और डायमीटर के अबाउट निकालना है, और अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में दो बातें थी बिल्कुल ऐसे ही हैं, बी और सी, तो और ये भी ऐसे ही है, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये तरीके से ही होगा, ठीक है, कैसे तरीका से होगा, देखो डिस्क बनानी है, तो ये डिस्क है ना, और डिस्क ये बीच से खोखली नहीं है, ये कैसी है, ये बिल्कुल बंद है, मतलब सॉलिड है, ठोस है बिल्कुल, मैं किस तरीके से आपको बताऊं, यहाँ पर कोई आकृति भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है ना ऐसी, तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया प्लास्टिक की बाल्टी का ढक्कन, ठीक है, उस तरीके से जो ऊपर से वो कैसी रहती है, बंद रहती है, ठीक है, चलो, और हाँ डिस्क, डिस्क वो भी तो रहती है जो कैसेट होती है वीसीडी की डीवीडी की, लेकिन वो बीच में उसमें होल सा रहता है, तो वो होल ना हो तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी वो डिस्क होगी, ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे, चलो, तो वो क्या है, यदि डीवीडी वीसीडी की कैसेट में बीच में वो होल ना हो, बिल्कुल बंद हो, है ना, सपाट हो, तो वो आकृति जो बनेगी वो क्या होगी, डिस्क होगी, ठीक है, डिस्क कहते हैं ना, चलो, तो ये डिस्क है एक, और कैसी है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसका मास तो आपको पता है कैपिटल एम मान लेंगे, और इसे इसके इस एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कहाँ से होके जाती है, सेंटर से, ठीक है, तो देखो सेंटर इसका, सेंटर, ठीक है, और सेंटर के परपेंडिकुलर है एक्सिस की बात, है ना, एक्सिस ऐसे हो जाएगी, सेंटर से होके जा रही है, डिस्क तो ऐसे है, तो डिस्क के प्लेन की कैसी है, परपेंडिकुलर इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, एक्सिस, तो इस तरीके से बनाएंगे हम, तो चलो, और आपको पता है डेरिवेशन करना है तो आपको एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा, है ना, छोटा सा एलिमेंट, तो जैसे काट मैं कहता हूँ, है ना, तो देखो इसका एक एलिमेंट कहीं बीच में मान लो, इस तरीके से होगा या नहीं, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, है ना, बनाते चलो आप भी मेरे साथ साथ, देखो बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, तो ये काट के निकालोगे तो फिर ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, डॉटेड बना लेना, है ना, या फिर एक काम करना, ये ब्लैक से बना लेना और ये बीच वाला ब्लू से बना लेना, ठीक है, डॉटेड भी ना करो तो आप, ठीक है, देखो मैंने भी दूसरे कलर का यूज़ किया है, रेड मार्कर का, तो इस तरीके से,
ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट है। आप हर डेरिवेशन में एक सूक्ष्म अवयव मानते हो ना, जिसे आप स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, यानी जिससे मिलकर वो आकृति बनती है। तो आप देखो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, एक यहाँ होगा, 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 इन सबसे मिलकर ही तो बनेगी डिस्क, ठीक है। यानी आप काट के निकालें तो अलग अलग आकृति के छल्ले निकलेंगे, वलय निकलेंगे, अलग अलग आकृति के वलय, वलय यानी डिस्क, वो वलय यानी रिंग, रिंग बोलते हैं वलय को, यानी वलय क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। वलय नहीं समझते होंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग रिंग समझते होंगे, रिंग यानी वलय छल्ला। और अब हम किसके लिए कर रहे हैं, डिस्क के लिए, ठीक है। इस तरीके से समझा, इसे थोड़ा अच्छे से आप बना लेना, किसके हेल्प से, प्रकार की हेल्प से। चलो तो देखो, इसका सेंटर होगा कहीं बीच में, ठीक है जी। तो आप इसे बना लेना थोड़ा, है ना, अच्छे से। चलो तो देखो, इसका सेंटर और ये क्या है, डिस्क है, और डिस्क का ये क्या माना है, एलिमेंट माना है, सूक्ष्म अवयव जिसे आप स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, सेंटर ओ मान लो। और इस ये जो डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है, मान लो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ठीक है जी। और हाँ सुनो, आपको एक बहुत बात, मतलब बात पता है बहुत अच्छे से, और वो बात क्या है कि ये जो है एलिमेंट, जिसे अब सूक्ष्म अवयव कहते हैं, स्मॉल एलिमेंट, उसकी विड्थ मानते हैं ना, तो कितनी मान लो dx, और उस तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, डी, वो x होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, x होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, भाई सेंटर से स्मॉल एलिमेंट तक की दूरी, लास्ट वाले डेरिवेशन को छोड़ के सभी डेरिवेशन में आप क्या कर रहे थे, उसका तो थोड़ा मेथड अलग था लास्ट वाले का, वो तो सिंपल था बिल्कुल, सब में क्या करते थे, स्मॉल एलिमेंट की जो डिस्टेंस थी वो सेंटर से x मानते थे। तो x मान ली इस बार, और इस बार इसकी मतलब विड्थ कितनी मानते थे, dx, तो इस बार भी इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, dx, ठीक है, चौड़ाई कह दो या मोटाई कह दो, है ना। चलो तो बात समझ में आ रही है आपको, और हाँ एक्सिस दिखा दो, जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, तो एक्सिस कौन सी है, जो इसके सेंटर से होकर जाती है, और इसके प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर, यानी ये वाली एक्सिस, लेकिन हमें तो ऐसे दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से दिखा लेना आप। तो ये एक्सिस है जी, ठीक है जी। तो इस एक्सिस के अबाउट ही आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको क्या करना है, इसकी लैंग्वेज लिखो, लेट अस कंसिडर, मान के चलना है, लेट अस कंसिडर ए डिस्क, ए सर्कुलर डिस्क है ना, ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, ठीक है, इतना लिखना है फुल स्टॉप। फिर क्या लिखना है, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ, विड्थ आप समझते हो, विड्थ है ना, विड्थ माने एक तरीके से चौड़ाई या मोटाई कह सकते हो। तो देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, ठीक है, एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर, फुल स्टॉप। यानी जो जो डायग्राम में दिख रही है ना क्वांटिटी, राशियां, सभी का जिक्र करना है, r का जिक्र हो गया, m का हो गया, x का हो गया, dx का हो गया, ठीक है, बस इतने ही रहने दो, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप करते आ रहे हो। तो तरीका क्या है, सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर इस एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर वो किसके लिए हो जाएगा, पूरी डिस्क के लिए हो जाएगा, ठीक है। और आप जो एलिमेंट निकालते हो उसे इस तरीके से कुछ ड्रोसा करते हो, तो कर लो इसे भी, ठीक है जी। तो ये आपका एलिमेंट है स्मॉल, ठीक है। चलो तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसका निकालना है, इस एलिमेंट का, और आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले मास निकालते हैं, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो मास की जरूरत पड़ेगी, तो इस एलिमेंट का मास निकालो पहले। और आपको मैंने बताया था कि ये देखो, आपको मैंने बताया था कि यूनिट लेंथ का मास तो लैम्डा मानते हैं, या एम, मैंने एम माना था एक डायरेक्शन में, तो एम भी मान सकते हो यूनिट लेंथ का, और यूनिट एरिया का कितना मानते हैं, सिग्मा मानते हैं, कराया था डेरिवेशन एक, और यूनिट वॉल्यूम का कितना मानते हैं, रो मानते हैं, ये भी कराया था, ठीक है। इसे आप कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, और इसे आप कहते हैं पृष्ठीय यानी सरफेस मास डेंसिटी, और इसे कहते हैं आयतन, यानी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। ये है रेखीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, और ये आयतन द्रव्यमान घनत्व, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती हो हिंदी इंग्लिश में, तो उन्हें अलग लिख लिया करो, है ना, ये आपको एफर्ट करना है, ठीक है जी। मैं दोनों
तरीके से बता दिया आपको। तो देखो यहाँ पर ये 3D आकृति, 3D केवल इस एक्सिस के कारण हो रही है, लेकिन ये जो आकृति है डिस्क जो है ऐसी तो है, और इसकी मोटाई ना के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये 3D नहीं है, ये 2D है। तो 2D में द्विविमीय आकृतियों में क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है ना, एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता। तो इसका एरिया निकालो पहले भाई, मास तो तब निकलेगा। हम मान के चलेंगे कि यूनिट मास का, वो यूनिट एरिया का जो मास है वो सिग्मा है। तो देखो ध्यान देना, हम मान के चलेंगे कि यूनिट एरिया का जो मास कितना है वो सिग्मा है इस एलिमेंट का, ठीक है। और हाँ मैं बता दूँ, ये जो एलिमेंट काट के निकालोगे ये वास्तव में क्या होगा, अब क्या निकलेगा, ये एक रिंग ही तो निकलेगा। यानी जो डेरिवेशन आपने किया था वही डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है, वही डेरिवेशन आपको करना है। यानी रिंग के लिए अभी आपने करा था तो रिंग के लिए ही है बात, है ना, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि काट के जो बाहर निकालोगे वो रिंग होगा केवल। तो ठीक है, मैंने इस पे लिख दिया है ये क्या है, रिंग है। यानी स्मॉल एलिमेंट का हो चाहे आप रिंग का हो, बात दोनों की एक ही है, ठीक है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये 2D आकृति है रिंग भी और ये पूरे डिस्क भी। तो आप देखेंगे 2D के लिए बात करते हैं सिग्मा, यानी यूनिट एरिया का जो मास है वो सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है सिग्मा है। तो क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया निकाल लो, तो एरिया जितना होगा उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मास निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ, ठीक है ना, हर डेरिवेशन में लगभग एक सा ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा उसका है ना अलग अलग हो जाती है कैलकुलेशन, है ना, बाकी कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि सबसे पहले क्या निकालूँ, मास। मास निकालने से पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया, ठीक है, तो देखो देन एरिया, एरिया किसका, इस एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का। तो एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है जी, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी इसे क्या कहेंगे, ये रिंग है, ये जो स्मॉल एलिमेंट निकला है क्या है, रिंग है। तो इसका एरिया यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इसकी परिधि दिख रही है, परिधि गुना चौड़ाई हो जाएगा, है पर, है ना। एरिया का एक सूत्र होता है सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, लिख लेना ये फॉर्मूला ना पता हो तो। क्षेत्रफल बराबर होता है परिधि गुना चौड़ाई। तो इसकी जो परिधि है, परिधि का सूत्र होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, सबको याद होगा। और यहाँ r नहीं लेना, 2πx आएगा, क्योंकि ध्यान देना ये जो रिंग है इसकी विड्थ, या वो विड्थ नहीं, इसकी रेडियस कितनी है, x है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, x, ठीक है। तो एरिया कितना जाएगा भाई, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, लिख लो चाहे यहाँ पे सरकमफेरेंस पूरा लिख लेना, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, और सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन यहाँ पर वो रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, x है, इस रिंग की, रिंग के लिए बात करें केवल भाई, डिस्क की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो तो कैपिटल आ रहे हैं, लेकिन रिंग की देखो केवल, तो क्या आएगा 2πx, और विड्थ यानी ये चौड़ाई मोटाई क्या है, ये dx है। तो ये एरिया निकल गया किसका, स्मॉल एलिमेंट का, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकल गया। अब आप मान के चलो कि इफ सिग्मा क्या है, सिग्मा बी मास, सिग्मा मास है, और किसका, यूनिट एरिया का, ठीक है, इसे आप कह सकते हो सरफेस मास डेंसिटी भी कह सकते हो, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, इसे आप सरफेस मास डेंसिटी भी कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि देखो ध्यान से समझ लो, यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, ठीक है, तो देखो 2πx dx जो एरिया है उसका मास कितना हो जाएगा, 2πx dx इंटू सिग्मा, तो ये मास आ जाएगा, ये मास, और ये किसका है, इस रिंग का, यानी इस स्मॉल किसका, इस स्मॉल क्या बोलेंगे, एलिमेंट का, ठीक है। चलो, तो एरिया को चाहो तो आप a से डिनोट कर लो, और यहाँ पर मास को, देन मास निकालना है, तो देखो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है ना, यानी रिंग, तो आप चाहे स्मॉल एलिमेंट लिखो या रिंग लिखो, या दोनों लिखना चाहते हो दोनों लिख लो, तो स्मॉल एलिमेंट रिंग लिख लो, है ना, चाहे ब्रैकेट भी मत लिखो। तो देखो मास कितना आएगा, मैंने आपको निकाल के बता दिया, आप डायरेक्ट लिखो मास कितना आएगा, 2πx dx और इंटू
सिग्मा। तो मास निकल गया इस रिंग का, इस स्मॉल एलिमेंट का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है जी, और किस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट। इसे कुछ नाम दे दो, क्या कहें इसे, जेड, जेड डैश कह लें, क्योंकि जेड डैश के अबाउट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेड, जेड डैश एक्सिस, तो अबाउट जेड, जेड डैश एक्सिस, ठीक है। आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट ही निकालना है, तो आपने इस एक्सिस के अबाउट पहले रिंग का निकाल दिया, और फिर रिंग का जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरे डिस्क आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो क्या आ जाएगा, बताओ कितना आएगा भाई, एम आर स्क्वायर होता है, एम क्या है, ये रहा एम, और आर यानी रेडियस, रिंग की रेडियस वो कितनी है, एक्स, रिंग की रेडियस कितनी है, एक्स है, तो क्या आएगा एम एक्स स्क्वायर। एम की वैल्यू रख लो, तो क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू ये रही 2 पाई एक्स सिग्मा, पहले ले लो डी एक्स और इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आ गया, और आपको निकालना रिंग का नहीं है, आपको निकालना किसका है, डिस्क का, ठीक है। तो मैं डिस्क का निकालूंगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है, डिस्क है ये, डिस्क नहीं है, है ना। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्योंकि पहले पॉइंट में यही कहा है, ये पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले पॉइंट में यही कहा है कि उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से होकर जाती है, है ना, और इसके प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर, तो यही तो एक्सिस होगी जेड जेड एस, तो ए पार्ट हो जाएगा, है ना, ए पार्ट है ये, तो ये क्या है, ए पार्ट, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ए पार्ट, ठीक है। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट जेड जेड एस एक्सिस, तो आप एक बार बताओ जरा मुझे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आई बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है, 2 पाई एक्स सिग्मा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और डी एक्स आ रहा है, मैंने बताया था डी के साथ जो आता है उसी की लिमिट ले जाती है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लिमिट ले जाएगी, ठीक है। यानी आप देखो, और रिंग कहाँ से कहाँ तक है, रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतने में कवर होगी रिंग चारों तरफ, है ना, ये रेडियस है, और इस रेडियस को घुमा दोगे तो रिंग पूरी कवर हो जाएगी, नहीं तो, यानी सारी डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं, सेंटर यहाँ पर है, तो यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0, और यहाँ क्या है, आर कोमा 0, तो यानी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर चलते बढ़ते बढ़ते आर हो गई, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अबाउट लेनी है, तो लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 to r आ जाएगी, ठीक है। यानी पूरी रिंग भी तो जब ही कवर होगी, जब आप r तक लेंगे, भाई यहाँ तक लोगे तो फिर इतना भाग रह जाएगा, है ना, पूरी रिंग लेनी है, पूरी रिंग कवर करनी है, तो 0 से r तक की लिमिट लेनी है, तो बस 0 से r तक लिमिट है। इसके बाद वीडियो को पॉज करो आप, और क्या करो, इसके कैलकुलेशन करो, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलो मैं भी करा देता हूँ, आप भी करो, वीडियो को पॉज करके करो, पर आप फिर देखना, मुझे तो बाद में देखना आप, है ना, पहले अपने आप करने का प्रयास किया करो, देखो वही वो जो एफर्ट लगाते हो ना आप, वो बहुत आपको लाभ देगा। और यदि आप बिल्कुल ऐसे सोचेंगे कि करा कराए मिल जाए ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी, आप फिर कुछ क्रिएटिव नहीं बन पाओगे, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप खुद करने का प्रयास किया करो, बाकी मार्गदर्शन देने के लिए तो हम हैं ही। देखो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, तो 2π बाहर आ जाएगा और सिग्मा बाहर आ जाएगा। आगे देखो ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, आपको पता है, इंटीग्रेशन कर लो इसका, यहाँ तक का आपको दिख रहा होगा, चलो उधर कर देते हैं, तो आई बराबर क्या आएगा, देखो 2π सिग्मा, और इसका इंटीग्रेशन वो इसका, हाँ इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4, ठीक है, इतना इंटीग्रेशन सबको आता होगा, एक्स टू दी पावर एन क्या का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर n+1/n+1, ठीक है, सब जानते होंगे, 4 बाहर आ जाएगा, चलो ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 2π सिग्मा और अपॉन 4, और ये बचेगा x टू द पावर 4, और लिमिट 0 to r, लिमिट रख लो, देखो 2 2 जा 4,
तो ये बचेगा 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, सिग्मा। और आपको पता है पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में लोअर लिमिट, वो बीच में माइनस साइन और फिर लोअर लिमिट, 0 की पावर 4 0 ही हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो आई बराबर कितना आया, 1 अपॉन 2 पाई। अब देखो एक बात सुनो, आपको मास बनाना है, मास, ठीक है। चलो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, या मैं थोड़ा तभी लिखूँगा, पहले मैं आपको समझा दूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक बात समझाई थी, अभी थोड़ा इधर को समझ लो। देखो ध्यान दो, यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा। तो मैंने कहा आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऊपर का दिख रहा है आपको, चलो, तो आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, 4 एरिया का 4 सिग्मा हो जाएगा, 6 एरिया का 6 सिग्मा हो जाएगा। तो आप इस पूरी डिस्क का एरिया देख लो, और पूरी डिस्क का एरिया यदि आपको चल जाएगा तो उसमें सिग्मा की मल्टीप्लाई करते ही पूरी डिस्क का मास आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी डिस्क का एरिया देखो आप, पूरी डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, डिस्क यानी सर्कुलर डिस्क है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क की रेडियस तो कैपिटल आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसके लिए मास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो ये मास हो जाएगा पूरी डिस्क का, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर को एक साथ लिखो, आर की पावर 4 है ना, इसे स्क्वायर करके अलग लिख लो, और सिग्मा इसके साथ लिखो, और जो एक आर स्क्वायर बचा उसे आप थोड़ा अलग को लिख लो, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो m बन जाएगा, बता दिया मैंने, आप साइड में लिख सकते हो, बिकॉज पाई आर स्क्वायर सिग्मा ये किसके बराबर होगा, m, यानी बैक आगे भी आप लिख देना m के आगे टोटल मास, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट रुकिए, चलो अब आपको दिख रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, कैप यानी कैपिटल m के आगे लिखना टोटल मास ऑफ डिस्क। तो आप देखेंगे इसकी जगह आप कैपिटल M रख सकते हो, तो आपका जो I आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 कैपिटल M R स्क्वायर, ये डिस्क के लिए आया है जी, 1 अपॉन 2 कैपिटल M R स्क्वायर। तो इसका A पार्ट अभी हो चुका है, B और C में कराता हूँ, आप यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। चलो तो देखो बी और सी पार्ट, आप एक काम करो, वीडियो को यहीं रोक दो और करने का प्रयास करो, क्योंकि बिल्कुल सेम है जो मेथड आपने इससे पहले वाले डेरिवेशन में लगाया है बी और सी के लिए, बिल्कुल वही मेथड लगना है, ठीक है। तो उसे आप करने का प्रयास करो, और देखो यदि आप उन्हें कर पाते हैं तो आप मानना कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मानना कि कहीं ना कहीं या तो मुझ में कोई समझाने में कमी है, या फिर आपके है ना मेहनत करने में कोई कमी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से परीक्षा हो जाती है ना, अब मैं दूर हूँ लेकिन फिर भी मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूँ, और वो परीक्षा आपको अपने माध्यम से देनी है। तो आप यदि बी और सी पार्ट कर पा रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ी और मेहनत करते रहें, क्योंकि है ना मेहनत से तो संतुष्ट रहना ही नहीं चाहिए, वो तो अधिक से अधिक करनी चाहिए। तो बी और सी पार्ट करो आप वीडियो को पॉज करके, और फिर देखना, यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बी और सी पार्ट आपको घर से देता, लेकिन चलो फिर मैं तो कराता ही हूँ, तो आपको यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो आप यहाँ तक करने का प्रयास करना, बाकी मैं करा रहा हूँ, आप देखें। देखो बी पार्ट देख लेते हैं, तो बी पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने आपको अभी बताया, किसके लिए, रिंग के लिए। तो देखो इसी प्रकार से डायग्राम बना लो अलग अलग को, ठीक है। तो डायग्राम में क्या बनाना है आपको, डिस्क बनाना है, और पहले आपने क्या बनाया था, वो रिंग के लिए था, इधर को बनाओ, ठीक है जी। ये क्या है, डिस्क है, यही तो है। तो अब अबाउट ए डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है, आपको पता है सेंटर से जो कोर्ड जाती है जीवा, उसे क्या कहते हैं, डायमीटर, व्यास कहते हैं। तो दो डायमीटर होंगे, डायमीटर तो बहुत सारे होंगे, ऐसे भी है ना, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, और मैंने बताया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है,
इसे आप आई डी कहेंगे, यानी अबाउट डायमीटर, व्यास के परितः है, और ये आई वाई है जिसे आप आई डी कहेंगे, और ये एक्सिस आपको पता ही है, ये वाली है ना, देखो बिल्कुल इसी की सीध में देनी है, ठीक है, इस तरीके से देख लेना, मतलब बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। और ये कौन सी एक्सिस है, जेड जेड डैश। तो आप देखें यहाँ पर आई जेड जो है वो आपने कितना माना है, आई जो निकाला है, ये इसी के अबाउट तो निकाला है अभी, ठीक है, तो बिल्कुल पिछली बार की तरह है नहीं। तो आप देखें, आपको देखो निकाला है डायमीटर के अबाउट, तो आप देखेंगे तीन एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लिखना, फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके हेल्प लोगे, तो आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है, आई जेड है आई, आई एक्स क्या है, आई एक्स है आई डी, आई वाई क्या है आई डी, ठीक है, देख लो डायग्राम में, तो यानी टू आई डी, और आपको तो आई डी निकालना है, तो बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है नहीं, आई डी बराबर क्या आएगा, वन अपॉन टू आई, और आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो यानी वन बाई टू, और वन बाई टू क्या हो जाएगा, आई डी बराबर हो जाएगा वन बाई फोर एम आर स्क्वायर। ये आपका बी पार्ट हो गया, यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी व्यास के परितः है जड़त्व आघूर्ण, आई का मान रख दो क्या है, वन बाई टू एम आर स्क्वायर, तो ये क्या है, टू टू या फोर, ठीक है। तो ये बी पार्ट मैंने करा दिया है आपको इसी डायग्राम से, और इसी डायग्राम की हेल्प से सी पार्ट हो जाएगा, अबाउट ए डायमीटर, है ना, ये तो हो गया, अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, एक टेंजेंट एक स्पर्श रेखा जो इसके प्लेन में हो, तो ये तो ऐसा रखा है इसी के प्लेन में होनी चाहिए, इस तरीके से ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, ठीक है, ऊपर बनाई थी पिछले में, तो यहाँ भी ऊपर बना लो, बाकी नीचे भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, इसलिए आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ, तो नंबर सी पार्ट, चलो इधर कर लेते हैं नंबर सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपको करना क्या है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, चलो सी पार्ट में देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ, लिख लेना फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो क्या होता है, आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक्सिस तो ये है, ठीक है, और ये आई सी एम होता है जो सेंटर ऑफ मास से यानी सेंटर से होकर जाती है, लेकिन यहाँ आई सी एम नहीं माना हमने इसे, इसे आई एक्स कह रहे हैं, तो यहाँ क्या है, आई एक्स कहेंगे, और आप आई डी भी कह सकते हो, क्योंकि आई एक्स किसके बराबर है, आई डी के, लेकिन आई एक्स कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आई डी तो दूसरे वाला भी है, इसलिए आई एक्स कहो, ठीक है, और आई एक्स कहा, और ये क्या है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नहीं मान सकते, क्योंकि आई तो इसके अबाउट मान रखा है, तो इसे आई डैश कह लो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे क्या कह लो, आई डैश, तो आई डैश बराबर आई एक्स प्लस एम एच स्क्वायर, एच का आपको पता है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या है, रेडियस है, और वो रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, डिस्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो देखो आई डैश क्या आएगा, आई एक्स का मान रख दो, ठीक है, और आई एक्स किसके बराबर है, आई डी के बराबर है, और आई डी किसके बराबर है, ठीक है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, बिकॉज आई एक्स किसके बराबर है, आई डी के बराबर है, और आई डी किसके बराबर है, वन अपॉन फोर एम आर स्क्वायर, ये है ना, तो ये आएगा वन अपॉन फोर एम आर स्क्वायर, और एम एच, एच किसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है, देखो वन अपॉन फोर और प्लस फोर अपॉन फोर, भाई फोर अपॉन फोर लिख सकते हैं, तो ये जाएगा फाइव अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर, फाइव अपॉन फोर, तो आई डैश कितना आया, तो आपने पाया होगा, यदि आपने वीडियो को पॉज करके करके देखा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा, है ना। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, भले ही आपसे ना भी हो, यदि आपने करने का प्रयास किया होगा वीडियो को पॉज करके और आपसे नहीं भी आया, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपने प्रयास तो किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वे स्टूडेंट्स बहुत समस्या में आ सकते हैं जिन्होंने मेरे कहने के बावजूद भी वीडियो को पॉज करके नहीं करने का प्रयास किया खुद से, और वीडियो देखते जा रहे हैं, है ना, और तो वो फिर समस्या में आ सकते हैं, ठीक है, तो समझा करो आप भी, है ना, तो मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, अगला लेक्चर देखने से पहले जो मैंने पहले लेक्चर में कराया है उसे आप बहुत अच्छे से समझ लिया करो, कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया करो, हो सके तो तैयार कर लिया करो, क्योंकि देखो
कोई ज़्यादा वर्कलोड थोड़ी ना है, एक डेरिवेशन दो डेरिवेशन हद से हद हो गए, एक या एक ही रहता है डेरिवेशन एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में एक डेरिवेशन एक दिन में तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए साथ का साथ तैयार करते चलो, क्योंकि बाद में बहुत समस्या आ सकती है, बर्डन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे फिर, है ना, जुड़ जाएगा, इसलिए साथ के साथ तैयार करते चलो। और साथ में एक सिद्धांत, मतलब मनोविज्ञान है ये, कि यदि आप पहले लेक्चर तक का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखते हो तो आपके आपको आगे के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपका माइंड बहुत शार्पली काम करेगा ना, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कम्प्लीट हुआ, यहाँ तक आप कर लेना बहुत अच्छे से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दिया करिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए अच्छे से, जैसा जैसा मैंने कहा है उसे मानने का प्रयास किया करो, ठीक है, आपके हित की बातें हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।